नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। और इस वक्त हम भारतीय खेल प्राधिकरण साई के सेंटर हिसार में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के केंद्र प्रभारी हरभजन सिंह मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो ट्रायल चल रहे हैं, कौन कौन से खेल इसमें शामिल किए गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ ट्रायल जो हो रहे हैं इस बार, वो कौन कौन से खेल। जी, हॉकी है, बॉक्सिंग, रेसलिंग और एथलेटिक्स, ये चार गेमों के हमारे ट्रायल्स हो रहे हैं। जी, रेसलिंग, बॉक्सिंग और हॉकी के अंदर लड़कियों के लिए ही ट्रायल्स हो रहे हैं। बॉक्सिंग और जो एथलेटिक्स गेम है उसमें बॉयज़ बॉयज़ के ही लिए सिलेक्शन ट्रायल्स हो रहे हैं। जी, बॉक्सिंग में बॉक्सिंग के भी ट्रायल हैं। हाँ जी, बॉक्सिंग के भी ट्रायल, लड़कियों के ट्रायल्स हो रहे हैं। जी, ये ट्रायल जो हैं, आप हमारे तमाम दर्शकों को बताएं कितने दिनों तक चलेंगे और किस तरह की सिलेक्शन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जो सिलेक्शन ट्रायल है हमारे 3 दिन 7, 8 और 9 दिसंबर को चलेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले कम से कम जो प्लेयर आते हैं हमारे पास, तो उनके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोजीशन का कम से कम सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेट लेवल में पोजीशन हो, पार्टिसिपेशन हो, नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन हो, पोजीशन होल्डर हो, तो उसके बेस पे और फिजिकल बेस के ऊपर हम उनका ट्रायल लेते हैं। हमारा बैटरी ऑफ टेस्ट होता है, बैटरी ऑफ टेस्ट के अंदर बच्चे की हाइट, वेट जी, शटल रन हो, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, फॉरवर्ड बैंड एंड रीच, 800 मीटर, बाल थ्रो, ये सब हमारे फिजिकल टेस्ट हैं। तो उसकी शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में क्या क्या कितनी कितनी शक्ति है, इन जो टेस्ट हैं इसके द्वारा हम उनकी परख करते हैं, जांच की जाती है। जो बच्चे अच्छे होते हैं उसी के आधार पर उनको पॉइंट दे के मेरिट लिस्ट वगैरह बनाते हैं। मेरिट लिस्ट के आधार पर ही बच्चों को सिलेक्शन की जाती है। यदि बात साई की करें तो इसके प्रति खिलाड़ियों में इतना रुझान क्यों नजर आता है, किस तरह की फैसिलिटीज और किस तरह की सुविधाएं साई देता है तमाम खिलाड़ियों। जो साई की फैसिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे लेवल की है। आजकल में क्या है कि हर कोई चाहता है कि उसको एक अच्छी जगह का प्लेटफॉर्म मिले जो साई उनको प्रोवाइड करती है। जो हिसार के हमारा साई एसटीसी हिसार का सेंटर है, यहाँ पे जो गेम का स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है। बॉक्सिंग हॉल, एथलेटिक का सिंथेटिक ट्रैक है, हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ है, बॉक्सिंग के लिए, रेसलिंग के लिए हमारे पास अच्छे हॉल हैं और मैट भी हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए प्लेयर यही चाहता है कि कम से कम मैं साई की जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो साई के अंदर फैसिलिटी दी जाती है, अगर वो हमें अच्छी तरह से मिलती है तो वो आगे अपना और देश का नाम रोशन कर सकते हैं, करते हैं। बिल्कुल सर, डाइट बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है और हमने जो जानकारी है वो ये है कि साई में डाइट का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है। हमारे तमाम दर्शकों को बताएं कि वो किस प्रकार से। जो डाइट है हर प्लेयर के, अगर प्लेयर सपोज करो सुबह शाम प्रैक्टिस करके घर जाता है, बहुत मेहनत करता है, और अगर उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती तो उसकी रिकवरी नहीं हो पाती। तो अगर रिकवरी नहीं हो पाएगी तो नेक्स्ट डे वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। तो जो हॉस्टल्स हैं साई का, जो हॉस्टल्स हैं, यहाँ बच्चों को वेल बैलेंस डाइट दी जाती है, डाइट के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है जी। तो जिससे कि उसकी रिकवरी है वो अच्छी हो सके और नेक्स्ट डे के प्रिपरेशन के लिए वो अपने आप को फिजिकल तौर पर तैयार कर सके। बिल्कुल, हम जब यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि साई को खूबसूरत बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है, खूब रंग रोगन भी हो रहा है, ऊपर नजर आता है कहीं कहीं। तो इसको और खूबसूरत बनाने के लिए और कुछ चीजें इंक्लूड करने के लिए और क्या क्या चीजें हो रही हैं, थोड़ा सा हमें बताएं। जो हमारे पास बॉयज हॉस्टल है अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले ही रेनोवेट हुआ है, तो जो भी आके हॉस्टल को देखता है तो कहता है कि ऐसी फैसिलिटी और जगह नहीं देखने को मिलती है। तो वो भी सोचते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसी फैसिलिटी हो तो हम इसका ऐसा आनंद लिया जा सके जी। तो उनको भी यहाँ अच्छा फील हो और अच्छी परफॉर्मेंस वो दे सके। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ और गेम भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं यदि भविष्य की बात की जाए। क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं, और हो सकता है कि 1-2 साल में जो हमारा साई एसटीसी सेंटर हिसार है, जो इसकी परफॉर्मेंस आज से 7-8 साल से आ रही है, उसको ध्यान में रखते इसको अपग्रेड करके एनसीओ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको अपग्रेड कर सकते हैं और ऊंचा एनसीओ का स्थान दे सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से तमाम खिलाड़ी जो खेलों में भविष्य बनाना चाहते हैं, उन्हें आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करते हो
अच्छे से मन लगा के प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो साई के ट्रायल्स हैं, जब भी आपको मौका मिलता है यहाँ आप अपनी प्रतिभा आकर दिखाओ, अपना सिलेक्शन करवाओ। आपके लिए हॉस्टल में खेलों के लिए कोचिज पूरी फैसिलिटी आपके लिए है, आइए साई में आपका स्वागत है। कभी भी जो सिलेक्शन ट्रायल्स हैं उसमें आइए, तो आप अपना जी योगदान दीजिए, सिलेक्शन करवा के आप अपना अपना और अपने देश का, अपने राज्य का नाम ऊंचा कर सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी खूबसूरत बात। हाँ जी, थैंक यू, धन्यवाद जी।